दोस्तों, आज सुबह मैंने जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन किया, मुझे लैपटॉप ऑन करते ही इस प्रकार की साउंड आई। फिर मैं तुरंत YouTube पर गया और मैंने सर्च करना शुरू किया कि भैया स्क्रीन तो ऑन हो नहीं रही है, केवल साउंड आ रही है, इसका क्या उपाय है। तो मुझे जितने भी मैंने वीडियोस देखे, कम से कम मैंने 8-10 वीडियो देखे, सभी में मुझे ये बताया गया कि जो इसका कीबोर्ड होता है लैपटॉप का, उसके अंदर ये एरर होने की वजह से इस तरह की दिक्कत आती है। अगर इस कीबोर्ड को निकाल के अलग कर लिया जाए तो ये ठीक हो जाता है। और जैसे ही आप कीबोर्ड निकालते हैं, कीबोर्ड निकालते ही ये जो लैपटॉप है हमारा ऑन हो जाएगा, ऐसा मुझे बताया गया। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कीबोर्ड किस प्रकार बाहर निकालते हैं। इसके लिए दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप में ऊपर की तरफ छोटे छोटे होल्स दिए गए हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, आपको उन छेदों में स्क्रू ड्राइवर को डालना है, और स्क्रू ड्राइवर को डालने के बाद आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करना है। जैसे आप पीछे की तरफ मूव करेंगे, ये जो आपका कीबोर्ड है अलग होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर की तरफ 5 होते हैं, नीचे की तरफ 2 होते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर की निकाल लेंगे तो बाकी अपने आप निकल जाते हैं। ये देखिए, मैंने जो जो निकल गए हैं वहाँ पे उंगली डाल ली है, और उंगली डालने के बाद आप देख सकते हैं कि अब मेरा ये खुलना शुरू हो गया है, और हमने इसको लगभग खोल लिया है। अब एक आधी जगह से रह गया, चूँकि दोस्तों मैं पहली बार निकाल रहा हूँ और मैं कोई टेक्नीशियन तो हूँ नहीं, केवल YouTube वीडियो के माध्यम से जो मैंने सीखा उसी को प्रयोग करते हुए मैं इसको सेलेक्ट करके निकाल रहा हूँ। अब ये मेरा जो है कीबोर्ड लगभग निकल चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा बाहर आ गया है। ये मैंने पीछे की तरफ खींच के इसको निकाल लिया है। अब ये जो ये आप देख सकते हैं वायर है, ये वायर से कनेक्ट होता है, इसको हमें निकाल लेना है। जैसे YouTube वीडियो में बताया गया था, जैसे ही मैं इसको निकालूंगा बाहर, ये मेरा जो लैपटॉप है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मुझे इसको परमानेंट डिस्कनेक्ट कर देना है, और मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड के माध्यम से अपना लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ, और मेरा लैपटॉप भी ऑन हो जाएगा। एक बार मैं दोस्तों आपको दोबारा से दिखा देता हूँ वो जो छेद होते हैं वो किस प्रकार के छेद होते हैं, जहाँ पे आपको स्क्रू ड्राइवर डालना है। ये हमारा कीबोर्ड हमने वापस लैपटॉप पे कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे आपको छेद दिखाई देंगे। इन छेदों के अंदर ही आपको स्क्रू ड्राइवर डालना है, और उसको पीछे की तरफ पुश कर देना है। क्या आप देख सकते हैं, छोटे छोटे ये स्विच हैं, इन सब के अंदर इन छोटे छोटे स्लॉट्स में डालना है, और आपको पीछे की तरफ कीबोर्ड की तरफ इसको प्रेस करना है, ताकि ये अनलॉक हो जाए, और अनलॉक होते ही आपका कीबोर्ड बाहर आ जाएगा। तो जैसे कि मैं तो इसको पहले ही निकाल चुका हूँ, अब हम इसको उठा लेंगे और हम आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, मैंने इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया था इसको निकालने के लिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आगे से नुकीली हो, उसके माध्यम से आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड को उससे अलग कर सकते हैं। अब चूंकि हमारा तो कीबोर्ड पहले ही अलग हो गया था, और ये आप देख सकते हैं, ये जो इसकी वायर से ये कनेक्ट होता है, ये इसमें अटैच्ड है। अब इसको क्या करना है, ये आपको नीला नीला हिस्सा दिख रहा है, इसके पीछे की तरफ आपको जो ब्लैक से नज़र आ रहा है, इस ब्लैक हिस्से को आपको ऊपर की तरफ उठाना है नखून के माध्यम से। ये देखिए, मैंने उठा लिया है, और ये हमारा अनलॉक हो चुका है। देखिए, हिल रहा है, ये अनलॉक हो चुका है। अब आप जैसे ही इसको खींचेंगे, हमारा कीबोर्ड लैपटॉप से अलग हो जाएगा। तो जैसा कि हमें बताया गया था कि ये, अब मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, जो काला हिस्सा मैंने नखून के माध्यम से ऊपर की तरफ पुश करके हटाया था, जिससे कि हमारा कीबोर्ड इससे डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसको पीछे की तरफ खींच के मैंने निकाल लिया है, तो इस प्रकार हमारा कीबोर्ड इससे अलग हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, कीबोर्ड हमारा बिल्कुल अलग है, जो कि लैपटॉप से अब अलग हो चुका है। अब हम अपने लैपटॉप को ऑन करके देख लेते हैं अब क्या होता है। दोस्तों, अगेन सेम साउंड आ रही है। तो जैसा कि YouTube वीडियोस में बताया गया था कि कीबोर्ड अलग कर देने से ये जो साउंड की प्रॉब्लम है, डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाती है, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों, कीबोर्ड अलग करना यहाँ पर काम नहीं आया है।
मेरे लैपटॉप में और कोई समस्या है जो कि अब किसी टेक्नीशियन के पास जाकर ही ठीक होगी।